इस वीडियो के अंदर बात करने वाला ओप्पो के फ़ोन में आप वॉलपेपर जैसे कि लाइव वॉलपेपर हो गया, डायनेमिक वॉलपेपर हो गया, या फिर खुद का फोटोज़ वगैरह, वो सब आप कैसे सेट कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर यही से बात करने वाला हूँ। तो मेरे पास जो फ़ोन है वो है ओप्पो का फ़ोन, और ओप्पो के फ़ोन में आपको बताने वाला हूँ इन फीचर्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वॉलपेपर चेंज करने के लिए इस पर क्लिक करना होगा, सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा, और सबसे नीचे जाना होगा वॉलपेपर पे। वॉलपेपर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ओपन थीम पे जाएंगे, तो यहाँ पे थीम वगैरह आपको दिख जाएगा। वॉलपेपर बहुत सारे प्यारे प्यारे वॉलपेपर होता है, तो इनमें से कोई सा भी वॉलपेपर आप उसको सिलेक्ट करके सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि मैं इनमें से कोई आपको वॉलपेपर जैसे कि ये वाला है, ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद यहाँ से अप्लाई और पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे अप्लाई ग्रीन कलर में हो जाता है। और यहाँ पे लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन दोनों पे सेट कर दीजिए, और यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा जो वॉलपेपर है वो काफ़ी क्यूट काफ़ी अट्रैक्टिव वॉलपेपर सेट हो गया है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स कई लोग बोलते हैं कि खुद का फ़ोटो लगाना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे प्रेस करके रखना है और ये वॉलपेपर पे जाना है और खुद का वॉलपेपर लगाना है यानी कि फ़ोटो लगाना है। तो यहाँ पे आपको डायनेमिक वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप ये वाला वॉलपेपर भी सेट कर सकते हैं। और इसको मैं बैक कर देता हूँ, तो यहाँ पे लाइव वॉलपेपर और यहाँ पे मोर का ऑप्शन दिखता है। और मोर पे जाते हैं तो यहाँ पे ये रीसेंट वाला लोकल थीम दिखेगा, तो इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से आप कोई सा भी वॉलपेपर इजीली सेट कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला भी कर सकते हैं जो कि स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, और इसको इस तरीके से वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन दोनों पे क्लिक करना है और आपका सेट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।